राम राम साथियों, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि यदि आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा या रेंज नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले यदि आपके मोबाइल में रेंज नहीं आ रही है या नेट नहीं चल रहा है तो एक बार आपको अपने मोबाइल के सिम कार्ड को निकाल कर देखना है कि सिम ठीक से लगा भी है या नहीं, या एक बार आप उसको सिम को दोबारा से अच्छी तरह से साफ करके दोबारा से लगा के देख लीजिए। अब आपको देखना है कि आपके मोबाइल में रेंज आ रही है या नहीं। यदि अब भी आपके मोबाइल में रेंज नहीं आ रही है और ना ही नेट चल रहा है तो अब आपको देखना है कि जिस कंपनी का आपके मोबाइल का सिम है, जैसे मैंने माना कि मेरा सिम जियो कंपनी का है, अब किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में देखना है जिसके मोबाइल में जियो का सिम है, क्या उस दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में रेंज आ रही है या नहीं। यदि उस व्यक्ति के मोबाइल में भी रेंज नहीं आ रही है तो अब आपको यह समझ लेना है कुछ ऊपर से ही नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वह प्रॉब्लम अपने आप कुछ घंटे बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि साथियों, बाजी बार ये होता है कि जो आपके आसपास टावर लगा होता है उस टावर में ही कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिस कारण से आपके मोबाइल में रेंज नहीं आ रही होती है। पर यदि साथियों आपको लगता है कि आपके आसपास जो टावर लगा है वो सब ठीक है और दूसरे के मोबाइल में भी रेंज आ रही है, या आपके मोबाइल में रेंज आ रही है पर नेट नहीं चल रहा है, तो अब आपको यह देखना है कि कहीं आपके मोबाइल के सिम का रिचार्ज तो समाप्त नहीं हो गया है। यदि आपके सिम का रिचार्ज प्लान समाप्त हो गया है तो साथियों आपके मोबाइल में नेट नहीं चलेगा, और यदि आपके मोबाइल में रिचार्ज प्लान है तो अब आपको यह देखना है कि कहीं आपका नेट डाटा तो समाप्त नहीं हो गया। यदि आपका मोबाइल डाटा पूरा समाप्त हो जाता है तो आपके मोबाइल में नेट नहीं चलेगा, क्योंकि बाजी बार साथियों ये हो जाता है कि कभी कभी हमारा मोबाइल और हमारे मोबाइल के ऐप अपने आप अपडेट हो जाते हैं जिस कारण से हमारे मोबाइल का डाटा अपने आप समाप्त हो जाता है, जिस कारण से हमारे मोबाइल में नेट नहीं चलता है। पर यदि आपके मोबाइल में नेट डाटा है या आपके मोबाइल में नेट बहुत धीरे से चल रहा है या आपके मोबाइल में नेट बहुत धीरे धीरे से चल रहा है तो अब आपको यह करना है जिस कंपनी का आपके मोबाइल का सिम है उस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और उनसे कहना है कि मेरे मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है। वो आपको बता देंगे कि आपके मोबाइल में नेट क्यों नहीं चल रहा है। पर यदि अब भी आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है तो अब आपको अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग कर लेनी है। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सिम कार्ड और नेटवर्क पर टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपने सिम का नंबर दिख जाएगा। यदि यहाँ पर आपको अपने सिम का नंबर नहीं दिखता है तो समझ लो कि आपके सिम कार्ड में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और यदि यहाँ पर आपको अपने सिम का नंबर दिखता है और आपका सिम चलता हुआ दिखता है तो समझ लो कि आपका सिम कार्ड ठीक है। अब आपको नीचे आना है डिफॉल्ट फोर कॉल में, जिस स्लॉट में आपका सिम डला है यहाँ पर उस नंबर पर टैप कर देना है। अब आपको नीचे आना है डाटा कार्ड पर, यहाँ पर जिस सिम के स्लॉट में आपका नेट पड़ा है, जिस सिम में आपका नेट पड़ा है यहाँ पर उस नंबर पर टैप कर देना है। अब आपको नीचे आना है डाटा पर, इस पर टैप करके आपको अपने मोबाइल के डाटा को ऑन कर लेना है। अब आपको देखना है कि आपके मोबाइल में नेट चल रहा है या नहीं, क्योंकि साथियों बाजी बार डाटा ऑफ होने से नेट नहीं चलता है मोबाइल में। अब आपको निचली सेटिंग पर आना है डुअल 4G पर, इस पर टैप करके इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। अब आपको इससे निचली सेटिंग पर जाना है यूज मोबाइल डाटा, इस सेटिंग पर टैप करके इसे भी ऑन कर लेना है। अब आपको इससे निचली सेटिंग पर जाना है डाटा रोमिंग पर, डाटा रोमिंग पर टैप करना है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रोमिंग पर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको ऑलवेज को चुनना है। अब आपको देखना है कि आपके मोबाइल में नेट चल रहा है या नहीं, सिम चल रहा है या नहीं। यदि अब भी आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है तो अब आपको ऊपर आना है, जौन सा सिम आपने डाल रखा है उस नंबर के सिम पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको टर्न ऑन पर टैप करके इसे ऑन कर लेना है। अब आपको नीचे आना है मोबाइल नेटवर्क में, यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर टैप करना है। यहाँ पर हम करेंगे APN को रिसेट। APN को रिसेट करने के लिए आपको नीचे रिसेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टैप कर देना है। आपका APN अपने आप रिसेट हो जाएगा और आपके APN की डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। अब आपको बैक जाना है,
यहाँ पर आपको प्रेफर्ड नेटवर्क पर टैप करना है। यहाँ पर आपको प्रेफर LTE पर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क पर टैप कर देना है। ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क को ऑन कर देना है। अब आपको देखना है कि आपके मोबाइल में नेट चल रहा है या नहीं। यदि अब भी आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है, सिम नहीं चल रहा है, अब आपको अपने मोबाइल को रिबूट या रीस्टार्ट कर देना है। अब देखना है कि आपके मोबाइल में नेट चल रहा है या नहीं। यदि अब भी आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है या रेंज नहीं आ रही है, तो समझो कि आपके मोबाइल की हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस हार्डवेयर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मोबाइल की दुकान पर। उनसे बस सीधा ही जाकर ये कह देना है कि मेरे मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है या रेंज नहीं आ रही है। वो चेक करके बता देंगे कि आपके मोबाइल में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आई हुई है, क्यों आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है, क्यों आपके मोबाइल में रेंज नहीं आ रही है। क्योंकि साथियों, बाजी बार मोबाइल नेटवर्क कनेक्टर ढीला हो जाता है या मुड़ जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम, जिसके कारण से हमारे मोबाइल में रेंज या नेट नहीं चलता है, जिसके कारण से हमारे मोबाइल में रेंज नहीं आती है और ना ही नेट चलता है।